सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से बीपीएससी वर्ल्ड की हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में। फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है उसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी डिस्कशन। और अब तक हम दो लेक्चर कवर कर चुके हैं इस पर। पहले में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे और अपने जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी जो स्टेट की हैं, लॉ की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि लॉ है कि नहीं, और एफ आर डी पी एस पी के कंटेक्स्ट में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसको देखा था, और थोड़े बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे। आज हम डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और जो राइट टू इक्वलिटी है उसको फिनिश करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और देखेंगे क्या एक्सेप्शंस हैं हर लॉ के साथ, यानी कि जैसे मैंने कहा था सैक्रोसेंट नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट्स और कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो वो तो एक पार्ट है और साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी दी गई हैं हर राइट में, वो क्या एक्सेप्शंस हैं, क्यों दी गई हैं, वो आज हम राइट टू इक्वलिटी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ लॉ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रुप को दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा जो बीपीएससी वर्ल्ड का फेसबुक ग्रुप है, इससे आप सारा मटेरियल, सारे पीडीएफ, ये जो स्लाइड्स हैं इनको भी आप पीडीएफ फॉर्म में एक्सेस कर पाएंगे और आपको आसानी होगी इसे फिर पढ़ने में भी, रिवाइज करने में भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों अब आज का अपना जो है ये लेक्चर। तो हमने ऐसे बताया, कल बात कर रही थी हमने एफ आरस के जो है रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं लॉ और स्टेट वगैरह की। आज हमारा मुद्दा जो है और आज जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी वो शुरुआत होगी रूल ऑफ लॉ से। एक कंसेप्ट है, एक फिलॉसफी है रूल ऑफ लॉ की। अब ये फिलॉसफी क्या कहती है पहले वो देखते हैं। ये फिलॉसफी दी गई थी एक मशहूर ब्रिटिश जूरिस्ट थे ए वी डाइसी जी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपसे पीटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार अक्सर पूछे जा चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ इज़ गिवन बाय हूम, मॉन्टेस्क्यू और हमारे वॉल्टेयर, इनकी जो फिलॉसफी है सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह वगैरह, जो कि हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो इस तरह की जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं अबाउट द स्टेट एंड अबाउट द रूल ऑफ लॉ, तो वो किस फिलॉसफर ने दिए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद रखना। और ए वी डाइसी एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो है प्रोपाउंडिंग दी थी, कंसेप्ट दिया था। तीन एलिमेंट बताते हैं ए वी डाइसी अपने रूल ऑफ लॉ के अंदर, ये जिनका रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 में हम इसका वर्णन पाते हैं। अब आर्टिकल 14 में क्या था, हमने कल पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सब्जेक्शन होगी सबकी लॉ के सामने, और इक्वल प्रोटेक्शन बाई लॉ, यानी इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाई लॉ, ये था। और रूल ऑफ लॉ से इंस्पायर्ड होकर या रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसी को आगे बढ़ाती है ये चीज़। और क्या है देखते हैं, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कि हम किसी को पनिश नहीं कर सकते या किसी को ऐसे ही सजा नहीं दे सकते। हम कब पनिशमेंट करेंगे, जब वो कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल लॉ यानी कानून का उल्लंघन होगा तभी सजा मिलेगी। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको कोई ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लेगी पुलिस। अगर आप कोई गुनाह करते हैं या जो है कोई गलती करते हैं या किसी को जैसे आप ईव टीजिंग करते हैं रोड पे चलते हुए या मोलेस्टेशन करते हैं या आप किसी को हानि पहुंचाते हैं आप, तो आप ब्रीच ऑफ लॉ के अंदर आते हैं, तभी आपके ऊपर जो है पनिशमेंट लागू होंगी जो लॉ के द्वारा डिटरमिंड है। वरना ऐसे ही अगर आप जो है लॉफुल मैनर में अपने राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं और नॉर्मल जो है जीवन जी रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप पर कोई भी पनिशमेंट लागू नहीं होती। तो सीधी सी बात है, ये जो प्रिंसिपल है क्यों डाला गया, आर्बिट्रेरीनेस को काटने के लिए। अब आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है, आर्बिट्रेरीनेस, इसको ध्यान से समझिए इस वर्ड को, आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है, क्या होता था कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो था, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, ये बहुत देखने को मिलता था कि पीसफुल गैदरिंग्स में, स्टूडेंट्स गैदरिंग को, पीसफुल गैदरिंग्स को अक्सर जो है डिसमेंटल करने के लिए लाठी चार्ज वगैरह और गिरफ्तारियां होती थी। आर्टिकल 124 द सीडिशन आर्टिकल बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आईपीसी 124 है, सीडिशन जो है उसके तहत, और एक राउल एक्ट था उससे फ्रीडम कर्टेल की थी और अननेसेसरी विदाउट एनी वारंट जो है अरेस्ट कर लेना, जस्ट क्योंकि वो स्टेट जो है
खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठा रहे थे, हालांकि वो पीसफुल पैनल पर थे, विद इन लॉ एंड ऑर्डर थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया था। एक आर्बिट्ररी नेचर था स्टेट का उस समय, पुलिस स्टेट जिसे हम कहते हैं, वेलफेयर स्टेट नहीं थी उस टाइम पर। तो वो सबको हटाने के लिए ये रूल ऑफ लॉ दिया गया, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इसे अडॉप्ट करता है, और आने वाली जो आज़ाद भारत की सरकार है उन्हें भी रोकता है इस तरह की आर्बिट्रेरीनेस दिखाने से, कि किसी को भी अरेस्ट कर लेना या अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इफ़ दे आर इवन डूइंग प्रोटेस्ट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ लॉ, लॉ के दायरे में रहकर वो अगर कुछ प्रोटेस्ट करें तो वो हक ना छीना जा सके उनसे। तीसरा है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्टर्ड बाई ऑर्डिनरी कोर्ट, यानी कि सब लोग जो हैं सामान्य रूप से होंगे, कानून के सामने सब लोग सामान्य रूप से होंगे, और वो लॉ जो है हमारे कोर्ट्स जो हैं उसको एडमिनिस्टर करेंगे। सभी लोग जो हैं सामान्य लॉ के सब्जेक्शन में अंडर आएंगे, अब अंडर कवरेज आएंगे, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन एक चीज़ अभी देखेंगे हम आगे एक्सेप्शंस में, कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके इक्वलिटी के और रूल ऑफ लॉ के, यानी इक्वलिटी के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ है इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में आगे तो हम इक्वलिटी के देखेंगे, यहाँ मैं आपको बताता हूँ रूल ऑफ लॉ के क्या एक्सेप्शंस हैं। यानी कि ऐसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं जो कि रूल ऑफ लॉ यानी इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ को से थोड़ा हट के हैं और इक्वलिटी से भी हट के हैं। तो वही जो हम कवर करेंगे इक्वलिटी में, उसी का थोड़ा मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ है ये हम फॉलो करते हैं, बट इसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, अब इसका मतलब क्या है, ये थर्ड पार्ट जो है रूल ऑफ लॉ का, यानी थर्ड डायमेंशन जो है वो कहती है कि इंडिविजुअल जो सिटीजन हैं उनके राइट की जो है वो सुप्रीम है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स बाई द कोर्ट्स ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बींग सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। वो कहता है कि इंडिविजुअल और जो नागरिकों के राइट हैं वो सबसे सर्वमान्य है, सबसे ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्हीं राइट्स को फोर्स में लेके आता है, ना कि उनका सोर्स है वो। तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरी वाली बात हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय कंटेक्स्ट के हिसाब से लागू नहीं होती, थोड़ा नीचे दिया गया, माफ़ करना दोस्तों, खिसक गया था थोड़ा सा, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये इंडियन कंटेक्स्ट में ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कैनोटेशन लागू होती है, यानी कि हम लोग रूल ऑफ लॉ का कौन कौन सा डायमेंशन फॉलो करते हैं, कि नो वन कैन बी पनिश एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, और इक्वल सब्जेक्शन होगा सभी का ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द स्टेट के सामने, जितने भी लॉ है सब उसके अंडर इक्वली सब्जेक्ट किए जाएंगे, विदाउट एनी प्रिविलेज और विदाउट एनी स्पेशल क्लास डिवीजन एक्सेट्रा। पर जो ये थर्ड बात कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई सोर्स नहीं है इंडिविजुअल राइट्स का, बल्कि वो सिर्फ उनको इन्फोर्स करता है, या फिर यू कह सकते हैं उनको जो है उसका रिजल्ट है, जो लोग के जो अधिकार हैं उन्हीं का रिजल्ट है, वो ऐसा नहीं है। हमारे कंटेक्स्ट में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही है सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ पीपल, हालांकि वो पावर ड्राइव करता है पीपल से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, लेकिन वो सोर्स है, क्योंकि ए वी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बींग द जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट, और ना कि सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, जबकि इंडिया में वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट है। तो हम पहला और दूसरा तो फॉलो करते हैं रूल ऑफ लॉ का नोटेशन, पर तीसरा हमारे यहाँ पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में हेल्ड किया था, जैसे हमने बताया था केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा बताया, यानी कि रूल ऑफ लॉ को भी अब हम अमेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाएगा, और बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन असेंस है, उसको डाइल्यूट करना होगा। तो ये जजमेंट थी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट। कुछ एक्सेप्शन जैसे मैंने बताया है रूल ऑफ इक्वलिटी को, और ये लागू होते हैं रूल ऑफ लॉ को भी। रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ लॉ यानी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि इक्वल सब्जेक्शन इक्वलिटी की बात करता है। तो अब एक्सेप्शंस हैं रूल ऑफ इक्वलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो सिमिलर एक्सेप्शंस हैं। रूल ऑफ इक्वलिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, और उस पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर रिलेटेड एक्सेप्शंस लगाए गए हैं, यानी जो इक्वलिटी की बात करता है रूल ऑफ लॉ, उस इक्वलिटी को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, बल्कि कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं, और एक्सेप्शन जो है पब्लिक ऑफिस डिग्निटरीज वगैरह वगैरह के लिए होते हैं। अब इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं कि क्या एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इक्वलिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं,
एक तो होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये जो है आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को भारत के। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं हमारे वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट, जो भारत का कोई भी कोर्ट है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो कुछ एक्सेप्शंस के साथ आता है, और हमारे प्रेसिडेंट और जो हमारे गवर्नर है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं, जब वो अपने ऑफिस में है यानी वो पावर में है इस समय, यानी वो अपना पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उस समय जो कोई भी कोर्ट है भारत में वो ये पावर एक्सरसाइज नहीं करता कि उनको क्वेश्चन कर सके इन रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द ऑफिस। मतलब अगर उनसे कोई ये कोर्ट में नहीं पूछा सकता बुलाकर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई हैं तो आप अपने पब्लिक ऑफिस की जो है ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, तो उनको आंसरेबल नहीं है। तो ये जो है बाकी, लेकिन अगर बाकी कोई केस हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करता है और आंसरेबिलिटी मांगता है, जो कि रिट्स हम आगे कवर करेंगे। पर यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन आता है, यानी कि अब जो इक्वलिटी थी लॉ की उससे थोड़ा सा अब हट गए हम लोग। और क्या एक्सेप्शंस दी गई हैं प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं, उन लोग काफ़ी एक्सेप्शंस जो दी गई हैं जो डिस्कस कर रहे हैं हम, उसमें से एक तो ये रो गई। दूसरा है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट होगी, ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ ना ही गवर्नर के खिलाफ किसी भी कोर्ट ने भारत के ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में है पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। प्रोसेस ऑफ अरेस्ट जो है या इम्प्रिजमेंट का है ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कोई भी जो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट है या इम्प्रिजमेंट है नहीं हो सकता जब प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, यानी उनको बाई वर्च्यू ऑफ होल्डिंग इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ये एक्सेप्शंस दी जा रही हैं फ्रॉम द राइट ऑफ इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ से डेविएट कर कर ये एक्सेप्शंस दी जा रही हैं। ना वो क्रिमिनल केस में जो है प्रोसीडिंग हो सकती है, ना उनका अरेस्ट हो सकता है, ना वो आंसरेबल है किसी कोर्ट में। कोई सिविल प्रोसीडिंग्स भी जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं इंस्टीट्यूट, कोई सिविल केस भी उनके खिलाफ, क्रिमिनल केस तो नहीं हो सकता, सिविल केस भी नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये टर्म ऑफ ऑफिस में, जैसे ही टर्म ऑफ ऑफिस को निकलेंगे विद इन द नेक्स्ट मिनट, जैसे ही पब्लिक ऑफिस को छोड़ते हैं ये सारी जो है एक्सेप्शन चली जाती हैं और वो फिर बाउंड हो जाते हैं रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी के अंदर एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी, जब तक ऑफिस में है पब्लिक ऑफिस होल्ड करे तब तक है ये चीज़ें। पर जो है इन, हाँ एक और बात जो है इसमें, जो पब्लिक जो पब्लिक सिविल ऑफेंस जो है वो अगर पब्लिक कैपेसिटी में भी करते हैं, नॉट इन रिगार्ड्स टू द पावर ऑफ ऑफिस पीएम प्रेसिडेंट गवर्नर, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी, अपने पर्सनल निजी जीवन में भी कोई ऐसा करते हैं सिविल ऑफेंस, तो भी उनके खिलाफ जो है सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती। क्रिमिनल तो हो ही सकती, सिविल भी नहीं हो सकती। पर सिविल में एक जो है हल्का सा इनको ऑप्शन, या ये कह सकते हैं हल्का सा जो है एक स्ट्रिंजेंट, या यूं कहें एक हल्की सी जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए, एक थोड़ा सा इक्वलिटी लाने की हल्की सी कोशिश है सिविल मैटर में। क्योंकि सिविल मैटर में हम लोग पर्सनल राइट के लिए भी नहीं कर रहे हैं इनको, तो वहाँ पे एक डाला है कि पर्सनल राइट के लिए किया सकती है, पर कब दी कर जा सकती है, अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग करनी है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ उनकी पर्सनल कैपेसिटी में जबकि वो ऑफिस में, तो 2 महीने का नोटिस दीजिए, नोटिस दिए बगैर आप नहीं कर सकते, सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल के केस में नहीं। क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती, सिविल हो सकती है पर्सनल कैपेसिटी में, अगर वो करें ऑफिस के दौरान अपने ऑफिस को होल्ड करें तो हो सकती है, और वो भी 2 महीने का पहला एडवांस नोटिस देना पड़ेगा आपको। तीसरी जो है वो मीडिया पर्सन के लिए है एक्सेप्शंस, आर्टिकल 361A के अंदर दी गई है ये एक्सेप्शंस। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, ना कोई सिविल चार्ज उस पर लगाए ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें किसी भी कोर्ट में, तब जब वो पब्लिकेशन कर रहा है न्यूज़पेपर में, रेडियो में, या और भी किसी कम्युनिकेशन चैनल में ट्रू रिपोर्ट, यानी कि जो सच्चा आंखों देखा हाल एकदम ट्रू सही चीज़ बता रहा है, वो आदमी अगर पब्लिश कर रहा है बता रहा है ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसकी ट्रू जो है पॉइंट टू पॉइंट ट्रू अपडेट दे रहा है, पब्लिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कोई भी अरेस्ट या सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। यानी अगर वो बता रहा है कि मान लीजिए आजकल राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ जो केस उठते हैं, मान लीजिए उसके तो
सुप्रीम कोई रिपोर्टर है, रिपोर्टर इन द सेंस कोई भी पत्रकार है, वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ मैं, ये पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को की जो है कवर कर रहा है प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, प्रोसीडिंग्स को कवर कर रहा है, और वो जो हो रहा है उसको सही से बताता। मान लीजिए वहाँ पर जो है कॉस हो रहा है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं वेल में आ गए हैं, तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, और वो पॉइंट टू पॉइंट उसको जो है पब्लिश कर रहा है न्यूज़पेपर में जो कि हुआ है, तो आप उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते या ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते कि वो डिफेम करने जा रहा है या वो प्रतिष्ठा कम कर रहा है या उसको क्रिमिनल क्रिमिनल माइंड है, वो अनार्की प्रोड्यूस करना चाहता है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बताया क्या क्या पब्लिश किया आपके रिपोर्टर ने, जो हुआ अंदर क्वास हुआ, अंदर हाथापाई हुई, तोड़ाफाड़ी हुई ओपोजिशन के द्वारा, उसने ये बताया। तो ये जो है पब्लिकेशन का जो राइट दिया गया है, ये तभी है जब आप सब्सटेंशली ट्रू रिपोर्ट दे रहे हो। अगर आप उसमें कुछ अपना TRP बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टिंच दे रहे हैं, तो यू विल नॉट कम अंडर दिस एक्सेप्शन, और आपको फिर नॉर्मल सब्जेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। MPs और MLA को ये और एक्सेप्शन दी गई है Article 105 एंड 194 के अंदर, और इसमें क्या होता है कि उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती 60 डेज या 30 डेज, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शुरू होने से सत्र शुरू होता है पार्लियामेंट का उससे पहले और इतने दिन और कुछ दिन बाद तक भी नहीं हो सकती, तो ये एक्सेप्शन उनको दी जाती है। और क्या होता है कि कोई भी मेंबर जो है लाइबल नहीं होता प्रोसीडिंग का, एनी भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में उनको प्रोसीडिंग के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता, और वो भी किस लिए, क्योंकि क्या कहा जाता है 105 194 में, एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन के लिए वो क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा पावर दी गई है अपने इस Article 105 194 में, कि वो कुछ भी जो कहा है उन्होंने, कोई भी वोट दिया है, कोई भी शब्द कहा है उस पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में जब वो सेशन में, उसको फिर आप नहीं क्वेश्चन कर सकते, उसको नहीं क्वेश्चन किया जा सकता। चाहे उन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि अगर ब्राइब भी ली गई है तो भी हम उसको कवर नहीं करेंगे, ये जो है एक जजमेंट में था, आया था ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में, और ये फ्रीडम ऑफ MPs एंड MLAs जो होती है फ्रीडम ग्रांट की, उसके रिगार्ड में जजमेंट दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि करप्शन तक को भी उन्होंने छूने से मना कर दिया अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो इतनी फ्रीडम है MPs और MLAs को, एनी थिंग सेड और एनी वोट गिवन, उसके खिलाफ उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कुछ भी वो करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात जब करेंगे तो हम इसको देखेंगे और डिटेल में कि क्यों ऐसा किया गया है। तो ये जो एक दो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस जो है MPs और MLAs को वो फ्रीडम या प्रिविलेजेस कहे जाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसके वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। Article 31C, Article 31C जो है एक और एक्सेप्शंस है आपके राइट टू इक्वालिटी को, एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन है, और क्या है ये एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ अभी। Article 31C जो है, जो ये कहता है, पिछली हमने पढ़ा था DPSP या हमने पढ़ा था कि FR पे लिमिटेशंस क्या है, तो वो लिमिटेशन मैंने कवर किया था कि इट इज़ एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FR, जब हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे FR के। तो इसमें क्या बता, इसमें क्या है 31C में, कि जो लॉ DPSP को, आपके DPSP को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्लॉज बी और क्लॉज सी खास करके Article 39 में जो DPSP है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई इक्वलिटी का क्वेश्चन आता है, रूल ऑफ लॉ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो हम करेंगे। मान लीजिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, तो हम जो है जिन पे एक्सेस लैंड है उनकी लैंड सीलिंग कर दें और लैंड लेस फार्मर्स को उनका लैंड दे दें, तो वो ये नहीं कह सकते आपकी वो इक्वलिटी ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एक बहुत ही बड़ी बात साफ कर दी कि जब Article 31C के बारे में बात होगी, जो कि DPSP को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, FR को थोड़ा सा अमेंड कर कर, Article 14 यानी जो आपकी इक्वलिटी बिफोर रहा है वो अपने आप बाहर हो जाएगी, वहाँ फिर हम इक्वलिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि इक्वलिटी देखने का मतलब ये होगा कि फिर ऐसे तो हम लोग जो है लैंड सीलिंग वगैरह, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको जो रिच है उनको भी एक तरह से और पुअर को एक समान ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को।
और बताया भी गया था हमारे द्वारा कल, हमने लेक्चर में कल डिस्कस किया था कि अब जो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, मतलब हम इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पीपल का, लाइक टू बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक का जो बताया था, तो वो सब कंसेप्ट आते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, एक्सेप्शंस जो है रूल ऑफ इक्वलिटी, आपको देखने को मिलती हैं। फॉरेन सोवरेनियंस, रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी इसके अंदर है। और यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, और उसके जो कितने भी एजेंसीज हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं वो लोग, और उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है जैसा कि हमने देखा है। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। इसका कारण ये है कि कुछ स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर तक जो है आपको कंटिन्यू से नहीं बोल पाऊँगा, कंटिन्यूशन में नहीं बोल पाऊँगा स्वास्थ्य कुछ ठीक ना होने के कारण। लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में अपने, और आपसे निवेदन करूँगा कि हमने जो पार्ट 1 और 2 में जो चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको जो है एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और DPSP और प्रीएम्बल को एक बार रिवाइज़ कीजिए जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। और एक बड़े महत्वपूर्ण चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने जो कोई भी फीडबैक्स हैं, क्वेरीज़ हैं, या आपको जो भी कमियाँ लग रही हैं, वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। और इतना ही कहना चाहूँगा। और दोस्तों, ये ग्रुप आप ज्वाइन करिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, सभी मित्रों तक हमारे मटेरियल्स पहुँचने चाहिए। और आप में से कोई अगर एजुकेटर बनना चाहता है, हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ एजुकेशन देना चाहता है, तो इसके लिए भी आप लोग आमंत्रित हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं, आप इनको देखिए और अकॉर्डिंगली आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर क्षमा चाहूँगा, आपको जो है कट शॉर्ट करना पड़ रहा है ये लेक्चर यहाँ पर, इसको हम कवर करेंगे निश्चित रूप से, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस इतना ही कहूँगा आपसे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इस लेक्चर को कट शॉर्ट करने के लिए, और आपको मैं बेस्ट विशेस दूंगा आपकी तैयारी के लिए। जम के पढ़िए, लगे रहिए, और धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।